specific person or an enterprise is the only supplier in a particular economy. Monopoly. Clever. Put your hands together for them. India's future seems safe and sound with these young financially sound kids. Finance becomes finance at the National Stock Exchange and CNBC TV 18 Financial Quest. Catch the first episode of this series at these times only on CNBC TV 18. Presented by National Stock Exchange. ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। नमस्कार। बजट से पहले एक टॉपिक बजट से जुड़ा जिसमें सबसे ज्यादा लोगों की दिलचस्पी होती है, वो है इनकम टैक्स। जी हाँ, हम सभी निगाहें गड़ाकर बजट की पूरी स्पीच पढ़ते हैं ये जानने के लिए कि कहीं इनकम टैक्स बढ़ तो नहीं गया, कहीं कम तो नहीं हो गया। वैसे कम बहुत कम ही होता है, बढ़ता ज्यादा है। और आपकी कुछ ऐसे ही बातों को वित्त मंत्री के सामने पेश करने की कोशिश करेंगे हम अपनी इस मुहिम के साथ, जहां हम पहुंचेंगे आपके शहर में, आपके बीच। और हमारे साथ रहेंगे हमारे खास मेहमान, हमारे टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया हमारे साथ। हम हैं हरियाणा के फरीदाबाद में और यहाँ हमारी कोशिश है छोटे और मझौले उद्यमियों से बात करने की, जानने की कि उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहत है बजट 2012 से। वैसे इनकी डिमांड सुनने से पहले हम अपनी डिमांड भी आपके सामने रखना चाहते हैं और वो है ब्लैक एंड व्हाइट मनी का। जी हाँ, आप कमाते व्हाइट में है लेकिन कोई इसे ब्लैक कर लेता है और टैक्स के इस गोलमाल का खामियाजा भरता है आम टैक्स पेयर। इसी मुद्दे के साथ हम इस शो की शुरुआत करते हैं। और काला धन एक बहुत बड़ी समस्या है, हम सब जानते हैं। ये हमारे देश में पनप रहा है, हमारे देश में छुपा हुआ है और सरकार इसे लाने के लिए बहुत कुछ कर सकती है पर शायद कर नहीं रही है। और ये काला धन अगर वापस आता है तो सरकारी खजाने को तो फायदा होगा ही और कहीं ना कहीं क्या पता हमें टैक्स रियायत भी मिल जाए। चलिए टैक्स गुरु से बहस की शुरुआत इसी से करते हैं। टैक्स गुरु, ये बताइए काला धन इतनी गंभीर समस्या है, इतनी सारी खबरों के बीच में शायद हम उन खबरों को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते जो काले धन से जुड़ी है, लेकिन ये बहुत गंभीर समस्या है। गंभीर समस्या गारंटेड रूप से है। जरा सोचिए, अगर समस्या नहीं होती तो सरकार अलग से कमेटी भी तो नहीं बनाती। और दोस्तों, पहले एक बात आपको बतला दें, मेरा मानना है जो रखेगा काला धन उसकी तरक्की नहीं होगी। देश के अंदर और अपना स्वयं अपने पर्सनल तरक्की करना चाहते हैं तो केवल ब्लैक एंड व्हाइट में से ब्लैक को हटा दो, व्हाइट को रखो, तब जाके आपकी तरक्की होगी और खूब ज्यादा कमाई होगी। परंतु सच तो यह है, ब्लैक फिर भी चल रहा है। आखिर क्यों? मैं ये भी मानता हूं कि देश में अगर ब्लैक मनी हट जाए, किसी भी तरह हमारा पैसा जो बाहर में रखा हुआ है या अन्य पैसा वापस आ जाए, देश के अंदर पैसा ज्यादा आने से सरकारी खजाने में अगर पैसा बरसेगा तो मेरा मानना है आपका और आपका और मेरा सभी का इनकम टैक्स का बर्डन कम हो सकता है। जी हाँ लखोटिया जी, यानी ब्लैक फैशन में जरूर बहुत इन हो लेकिन पैसे के मामले में ब्लैक उतना इन नहीं है। इसी के साथ शुरू करते हैं। और ब्लैक और व्हाइट के इन बातों को सुनकर यहाँ पर कोई है जिसके मन में कोई सवाल है? जी हाँ, डॉक्टर पीपी मित्तल है, कंसल्टेंसी लेते हैं, इनसे पूछते हैं। लखोटिया जी, मैं अभी जो आपकी डिस्कशन सुन रहा था ब्लैक मनी के बारे में, हम पिछले 4-5-6 साल से रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि हमारा 4 लाख करोड़ रुपया बार है, कोई 5 लाख करोड़ रुपया बार है, चलो जो भी फिगर है। तो अगर ये पैसा हमारा बार है तो सरकार इसके लिए क्यों नहीं कार्रवाई करती? क्यों सरकार सोई पड़ी? अगर ये पैसा आएगा, हम पे टैक्स कम होगा, हमारी तरक्की होगी, हमारे देश की तरक्की होगी, हमारी सुविधाएं बढ़ेगी, तो सरकार इसके लिए क्यों नहीं कोई कार्रवाई करती? एक तो पहले बतला दूं, जो आपने फिगर्स बोले वो गलत हैं। आप चकराएंगे कि गलत कैसे हैं। भैया, तकलीफ तो यह है कि जो फिगर आप या हम या कोई भी बोले, जिस दिन फिगर बोले जाते हैं उसके दिन उसके बाद फिगर में बढ़ोतरी हो जाती है। कहने का मतलब दिन प्रतिदिन ब्लैक मनी बढ़ रहा है, विदेश में भी रखा हुआ है। और आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, सरकार कोई ऐसा ठोस कदम लाए जिससे भारत का पैसा भारत में वापस आ जाए। और मैं ये भी मानता हूं कि अगर हमारा पैसा, अपना पैसा, अपने देश की धरती सोना उगलेगी, अगर हमारा पैसा हमारे भारत में आ जाएगा वापस। और सरकार के पास 16 मार्च को आने वाला बजट एक ऐसा हथियार है जिसके तहत अगर सरकार सोचे कि लाना है हमको जरूर से हमारा अपना पैसा,
अपने ही देश में, तो निश्चित रूप से ला सकती है। और मुझे लगता है कुछ न कुछ होना चाहिए जिससे देश का पैसा देश में वापस आए। और दोस्तों एक बात बतला दूं, आप और हम ये एग्री तो करेंगे, अपने देश का पैसा अपने ही देश के लिए और अपने ही एसएमएस के लिए, अपने उद्योग के लिए काम आएगा, तभी हमारी तरक्की होगी और हमारे देश का जीडीपी गारंटेड बढ़ेगा। चलिए अब क्योंकि आपने बात की उद्योगों की और हम उद्योग से जुड़े हुए लोगों के बीच में हैं, तो इन्हीं के सवाल लेते हैं। शैलेन भारद्वाज जी हैं और इनकी चिंता है कि एसएमईज कैसे बढ़े, आखिर सुनिए इनका सवाल। नमस्कार सर, मेरा सवाल यह है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां एसएमई सेक्टर में फॉल करती हैं, उनको उसी तरह से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं जिस तरह से बड़े बिजनेस हाउसेस को करने पड़ते हैं, और उनको उसी रेट से टैक्स देना पड़ता है जिस तरह से बड़े हाउसेस को देना पड़ता है। तो मेरा यह सुझाव है कि इस बजट में इस तरह के प्रावधान लाए जाएं कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां या जो दूसरे छोटे एसएसईज हैं जो एसएमई सेक्टर में फॉल करते हैं, वो विशेष छूट दी जाए जिससे कि जो आयकर की चोरी बहुत बड़े लेवल पर होती है वो रोकी जा सके। तो सर आपका क्या विचार है इस बारे में? बात हमारे कार्यक्रम का नाम है ब्लैक एंड व्हाइट, और बात बिल्कुल ठीक है। स्मॉल मीडियम अंडरटेकिंग ब्लैक मनी करता है, आखिर इसलिए करता है, एक बार सोच में पड़ जाता है आम आदमी छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट कि मेरा टर्नओवर 1-2 करोड़ रुपए, और दूसरी तरफ एक उद्योगपति जिसका टर्नओवर 100-200 हजार करोड़ रुपए, पर आयकर कानून में दोनों एक तराजू में है, एक सा उनके लिए इनकम टैक्स है। आज नहीं कम से कम 50 वर्षों से चर्चा चल रही है देश में कि कम से कम छोटे उद्योगपति जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं, छोटी इनकम वाले, उनके लिए टैक्स स्लैब छोटा होना चाहिए। पर्टिकुलरली जिस प्रकार इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की स्लैब रेट ऑफ टैक्स है, उसी तरह कंपनियों के लिए, छोटी कंपनी के लिए अगर छोटा टैक्स रेट होगा, तो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, देश में कर चोरी कम हो जाएगी, ब्लैक मनी कम होगा। एक और बात दोस्तों आपको बतला दूं, अगर दिल की धड़कन को सुनना चाहते हैं और अगर आप जाएं किसी भी एसएमई से और बात करें या किसी भी भारत के करदाता से, तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि भारत का करदाता इनकम टैक्स देना चाहता है। बेसिकली हर करदाता ईमानदार रहना चाहता है, केवल सरकार के कानून या टैक्स की बढ़ी हुई दरों की वजह से वो टैक्स नहीं दे पा रहा है। तो ये एक डिमांड जो इस सेगमेंट में निकल कर आ रही है, अगर छोटी है इकाई तो टैक्स भी छोटा लगे, ये है एसएमईज की डिमांड। कुछ ऐसे ही और एसएमईज की क्या चाहत है यही जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।